हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा होल्डर्स पर। तो दोस्तों, मिलते हैं आज फिर एक नई वैकेंसी के साथ। आज जो आपकी वैकेंसी निकल के आई है वो आपकी जीए इंफ्रा की तरफ से आपकी साइट इंजीनियर एंड अदर पोस्टों के लिए आपके रिक्रूटमेंट निकल के आई हुई है। ये वैकेंसी आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट वैकेंसी रहने वाली है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगी आपके फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, अप्लीकेशन फीस इसमें आपकी क्या रखी गई है, क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर जो आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टोटल पोस्टों की बात की जाए कि आपकी वैकेंसी कितने पदों पर निकाली गई है, तो यहाँ पर आपकी जो वैकेंसी है 52 पदों पर निकाली गई है। पोस्ट नेम, आपकी वैकेंसी किन किन पोस्टों के लिए निकाली गई है, तो यहाँ पर आपकी साइट इंजीनियर, बिलिंग इंजीनियर, प्लानिंग इंजीनियर एंड टेंडरिंग इंजीनियर पोस्टों के लिए आपकी रिक्रूटमेंट निकल के आई हुई है। अप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो अप्लीकेशन फ़ीस यहां पर ऑलमोस्ट किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ीस नहीं रखी गई है। सभी कैंडिडेट के फॉर्म एकदम फ्री में भरे जाएंगे। अब बात करते हैं आपकी एज लिमिट की, यानी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए। तो आपकी जो मिनिमम एज है 18 से मैक्सिमम 30 ईयर्स होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन इसमें आपकी क्या मांगी गई है, तो क्वालिफिकेशन इसमें आपकी आपका बीई बीटेक जो है वो सिविल इंजीनियरिंग से होना चाहिए, और इसके साथ फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो आपका जो सिलेक्शन है वो आपका इंटरव्यू के माध्यम से होगा। पे स्केल, आपको सैलरी कितनी मिलेगी इसमें, तो आपको जो सैलरी मिलेगी 20,000 से लेकर 30,000 प्रति मंथ आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगी। अप्लाई करने के लिए जो आपका अप्लाई प्रोसेस है, यहाँ पर अपना अपडेटेड सीवी और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, इनके ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर ये है, इस पर आपको जमा करना है या फिर आप इसकी ऑफिशियल साइट पर जमा कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हर पोस्ट का कोड दिया हुआ है। अगर जो आप साइट इंजीनियर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो इसका जो आपका कोड है वो है S43। यानी पहले अपना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट अपडेटेड सीवी जमा करने अपलोड करने के बाद ये आपको कोड लिखना है S43, फिर उसके बाद उसके लास्ट में लिखना है कि साइट इंजीनियर पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। इसी तरीके से आपकी ये पोस्ट प्लानिंग की और आपकी बिलिंग पोस्ट के लिए भी S42 कोड है, और आपकी टेंडरिंग पोस्ट के लिए जो आपका कोड है S41। यानी हर पोस्ट के लिए आपका कोड है यहाँ पर, तो अपना कोड डालकर अपनी पोस्ट का नाम डालना है। वर्क लोकेशन जो आपकी है ये है यूपी एंड राजस्थान। अगर जो आप इस वैकेंसी के लिए क्वालिफाइड है, फॉर्म के लिए इंटरेस्टेड है, तो अप्लाई ज़रूर करिएगा। आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।